नमस्कार, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक पदबच्चे है और उस पदबच्चे के अंतर्गत उदाहरण है। अभी तक हमने यही सब कुछ जानने के लिए इससे पहले 9 टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें संज्ञा पढ़ा था हमने, सर्वनाम पढ़ा था, जो भी व्याकरण के तत्व होते हैं हिंदी व्याकरण के, वे सारे तत्व पढ़े इस पद परिचय को जानने के लिए। हमारा मकसद उनका पढ़ना था इसको समझने के लिए, क्योंकि तब तक हम संज्ञा को नहीं पढ़ते, सर्वनाम को नहीं पढ़ते, कारक को नहीं पढ़ते, विशेषण को नहीं पढ़ते, प्रविशेषण को नहीं पढ़ते, क्रिया विशेषण को नहीं पढ़ते, लिंग को नहीं पढ़ते, तो हम इस विषय को समझ नहीं सकते। उनके बाद में अब हमें इनको अच्छे से समझ में आ सकता है कि ये है क्या। जैसा कि आपको पूर्व की क्लास में बताया गया, पदपच्चय इट मींस होता है वाक्य के अंतर्गत शब्दों का, जो वाक्य के अंतर्गत शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो लोग आप जानते ही हैं बहुत सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं वाक्य के अंतर्गत, उन सभी शब्दों का क्रमशः या जो उनका पूछा जा रहा है, जिन जिन शब्दों का, उनका व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। वही वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। शब्द आते हैं वाक्य के अंतर्गत, तो उन शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण के तत्वों से, जो तत्व हम पढ़ चुके हैं उन तत्वों से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यू नो परिचय का मतलब क्या होता है? एड्रेस, किसी का परिचय देना, आप कहां से बिलोंग करते हो, किसी से आप परिचय पूछते हो, किसी व्यक्ति विशेष से, तो वो सारा अपना परिचय बताता है। इसी प्रकार शब्दों का भी भाषा के अंतर्गत परिचय होता है। वे शब्द व्याकरण में क्या क्या कहलाते हैं, उस शब्द में कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा विशेषण है, किस सर्वनाम है, कौन सी संज्ञा का शब्द है, क्रिया का परिचय वगैरह, ये सब परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। हम पढ़ने जा रहे हैं पद परिचय उदाहरण के माध्यम से। आप देख रहे हैं यहां एक उदाहरण लिया है मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए। रमेश यहां तीसरे बंगले में रहता है। रमेश यहां तीसरे बंगले में रहता है। पहला शब्द इसमें रमेश, दूसरा शब्द यहां, तीसरा शब्द तीसरे, चौथा शब्द बंगले में और पांचवा शब्द रहता है। आप देख रहे हो इस वाक्य के अंतर्गत रमेश यहां तीसरे बंगले में रहता है। इस वाक्य के अंतर्गत पांच शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब ये शब्द स्वतंत्र होते हैं तब तो शब्द कहलाते हैं, जब इनको वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त कर दिया जाता है तब ये पद कहलाते हैं। तो पद कह सकते हो आप, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद। अब इनका परिचय देना व्याकरण के तत्वों से, हिंदी भाषा जो है जिसका व्याकरण है, जिसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कारक वगैरह जो भी है, उनसे हम इनका परिचय देने जा रहे हैं। एक एक पद का परिचय देने जा रहे हैं व्याकरण की दृष्टि से। यहां देखिए पहला पद है इसमें रमेश। अब आप देखते हो कि रमेश के अंतर्गत कौन से व्याकरण के तत्व छुपे हुए हैं। यदि हम संज्ञा की बात करें, संज्ञा पांच प्रकार की होती है, यूनो आप जानते ही, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं, उनमें से रमेश में कौन सी संज्ञा है? मैंने बताया आपको पूर्व की क्लास में, फर्स्ट क्लास में, तो जो व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति का जो शब्द बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। रमेश इट मीन्स नाम, नाम का एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो यहां संज्ञा हुई। और संज्ञा के अंतर्गत भी इसके प्रकार में जो इसका प्रकार रहा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात एक ही रमेश का बोध हो रहा है यहाँ। 10 लोगों का रमेश से बोध नहीं हो रहा है, 20 लोगों का नहीं हो रहा है, द्रव्य का बोध नहीं हो रहा है, समूह का बोध नहीं हो रहा है,
भाव का बोध नहीं हो रहा है, नाम का बोध हो रहा है, किसी एक पर्सन का बोध हो रहा है, इस कारण से यहाँ रमेश जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये मैंने लिखा देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यदि रमेश शब्द में लिंग की बात करें तो रमेश किस लिंग का शब्द है, पुल्लिंग का या स्त्रीलिंग का? तो रमेश जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग का है, क्योंकि तो पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है रमेश, स्त्रीलिंग जाति का बोध नहीं करा रहा है। और कहते भी हैं कि जो पुल्लिंग जाति का, जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, यू नो। तो इस रमेश में पुल्लिंग है, जैसा कि मैंने लिखा है यहां पुल्लिंग। और क्या क्या है रमेश के अंदर, संज्ञा छोड़ दो, संज्ञा की बात कर ली हमने, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लिंग की बात कर ली है, पुल्लिंग है। अब आ रही है वचन पर। तो वचन हिंदी के अनुसार दो वचन होते हैं, लिंग भी दो होते हैं हिंदी के अनुसार, वचन दो होते हैं, एक होता है एक वचन और उसके बाद में बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले को बहुवचन कहते हैं। तो रमेश एक है या बहुत है? रमेश एक है, इस कारण से यहां रमेश आपका क्या हुआ, एक वचन। ठीक है, वचन की बात कर ली। नेक्स्ट, अब हम कारकों की बात करते हैं। हिंदी के अनुसार कारकों की संख्या जो होती है वो आपकी कितनी होती है, आठ होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे वो अरे, आठ कारक होते हैं। रमेश में जो कारक है तो मैंने बताया था कि सभी कारकों के चिन्ह होते हैं, कर्ता का ने होता है, कभी कभी ने छुप जाता है, कभी कभी प्रकट हो जाता है। कर्म का को चिन्ह है, करण का के लिए चिन्ह से द्वारा है, संप्रदान का के लिए है, अपादान का अलग होना है, संबंध का काकी के है, और अधिकरण का मैं पर है, संबोधन का ये वो हरे चिन्ह है, ये चिन्ह है। हर कारक का एक चिन्ह होता है, आप जानते हैं। रमेश यहां है, को का बोध नहीं करा रहा है, मैं का बोध नहीं करा रहा है, के लिए का बोध नहीं करा रहा है, अलग होने का बोध के नहीं करा रहा है, काकी के संबंध का बोध नहीं करा रहा है, मैं पर अधिकरण का बोध नहीं करा रहा है। तो भैया बोध किसका करा रहा है, कर्ता कारक का बोध करा रहा है। इस कारण से रमेश मैं कर्ता कारक हुआ। जो आठ कारक होते हैं उन कारकों में से पहले नंबर का जो कारक है जिसको हम कर्ता कारक है वो रमेश में है, क्योंकि यहां जो क्रिया की जा रही है रहने वाली वो रमेश के द्वारा की जा रही है। अर्थात रमेश कहां रहता है, यहां रहता है, वो भी तीसरे बंगले में रहता है। तो यह हो गया रमेश का पद परिचय, रमेश का परिचय हो गया। अर्थात रमेश शब्द में जो वाक्य में प्रयुक्त रमेश है उसमें कौन कौन से व्याकरण के तत्व हैं वे सब आपने जाने। ठीक है, दूसरा शब्द यहां, जब यहां की बात करें सब चीजों को देखना होता है ना, यहां जो है वो आपका एडवर्ब है, क्रिया विशेषण जिसे हम कहते हैं, क्रिया की विशेषता दिखाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया का प्रचार प्रसार करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहां जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण के चार प्रकार मैंने बताए थे, उसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अर्थात स्थान के बारे में बता रहा है, चार भेद होते हैं ना उसके, कालवाचक, प्रमाणवाचक, आपका स्थानवाचक और आपका एक्सपेक्टेड। तो यहां जो यहां शब्द है यहां, इसमें क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब एक चीज आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, यहां कौन सी ये चीज कंफ्यूजन हो रही होगी, सर इसमें ऊपर वाले शब्द में तो ये इतनी चीजें हैं और इस शब्द में तो दो, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर शब्द में व्याकरण के पांच पांच तत्व हों, हो सकता है किसी में दो ही तत्व छुपे हों,
लेकिन अक्सर जो कर्ता होता है उसमें लगभग पांच छह आपके छुपे रहते हैं व्याकरण के तत्व। तो यहां जो शब्द है यहां क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरी बात, रहना क्रिया के स्थान का द्योतक है, जो रहने वाली क्रिया है उसका उसके स्थान का द्योतक है, अर्थात रहने वाली क्रिया है जो उसके स्थान के बारे में बताया जा रहा है, कहां रहता है, वहां रहता है। तो इस कारण से यहां जो दूसरा पद है इस वाक्य के अंतर्गत उसका भी परिपक्ष जाए। अब बात करते हैं तीसरे पद की। तीसरा जो पद है यहां उसमें यदि देखें तो तीसरा बंगले का विशेषण है, तीसरे नंबर का बंगले। नेक्स्ट बात करें क्रमसूचक, अर्थात क्रम का सूचक है, क्रम बता रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां दसवां, ये सारे जो शब्द होते हैं क्रम को सूचित करते हैं। क्रम है ना, एक क्रम होता है चीज का, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवें के बाद छठवां, छठवें के बाद सातवां, एक क्रम होता है। यहां भी तीसरे नंबर का क्रम का बोध करा रहा है, इसलिए यह शब्द क्रम सूचक भी है, क्रम का बोध करा रहा है। विशेषण तो है क्योंकि तीसरे नंबर के बंगले में रहता है, उसके बाद में तीसरा संख्यावाचक भी है, भाई संख्या ही तो है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह टेक्स्ट। तो तीसरा जो है वो संख्यावाचक भी है, अर्थात संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए संख्यावाचक। अब बात करेंगे बंगले के साथ में प्रयुक्त हुआ है तीसरा, बंगला पुल्लिंग शब्द है और विशेष शब्द है, और तीसरा जो विशेषण है, तो जो विशेष में लिंग होता है वही आपका विशेषण में लिंग होता है। तो यहां तीसरा जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग है। अगर तीसरी लड़की होता, तीसरी नदी होता तो स्त्रीलिंग होता, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग शब्द के साथ में प्रयुक्त होगा, जो शब्द वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, पुल्लिंग के साथ में जो प्रयुक्त होगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहां बंगला जो शब्द है वो पुल्लिंग है, और बंगले के साथ में तीसरा शब्द प्रयुक्त हुआ है, बंगला विशेष्य है और तीसरा विशेषण है, तो जो विशेष्य में लिंग होता है वही आपका विशेषण में होता है। तो यहां तीसरा जो है सुनने में भी समझने में भी व्याकरण के अनुसार भी पुल्लिंग शब्द है। लिंग की भी बात कर ली हमने, अब वचन की बात करते हैं। विशेषण हुआ पहला, तो फिर क्रम सूचक शब्द हुआ, फिर संख्या वाचक शब्द हुआ, फिर लिंग की बात करी तो यहां पुल्लिंग हुआ। अब वचन की बात करें हम तो तीसरा बंगला जब एक वचन है तो स्वाभाविक है कि उसके साथ में जो विशेषण शब्द प्रयुक्त हो रहा है वह भी एक वचन का ही हुआ, क्योंकि तो एक बंगले की बात की जा रही है, इसमें दो बंगले की बात की नहीं जा रही, तीन की नहीं जा रही, चार की नहीं जा रही है, और चार की जा रही तो बहुवचन होता, बट यहां एक बंगले की बात की, बंगले में रहता है, दस बंगले में नहीं रहता है, एक बंगले में रहता है, तो यहां एक वचन अर्थात एक संख्या का बोध करा। नेक्स्ट तीसरा विशेष शब्द भी है, जैसा कि मैं अभी कहता ही आ रहा हूं आपको, बंगले के साथ में प्रयुक्त हुआ है, यहां बंगला विशेष है और यह तीसरा जो है वो विशेषण शब्द है, विशेष यहां जगह कम है, यहां लिख देता हूं विशेष। नेक्स्ट बंगला जो इसमें चौथा पद है बंगले में, यहां बंगले में बात की जाए संज्ञा की तो यहां संज्ञा है। अब संज्ञा में संज्ञा के भाई पांच प्रकार होते हैं, अब पांचों में से कौन सी संज्ञा है, अब आपको बताया था अलग अलग सभी संज्ञाओं के बारे में परिभाषा होता है, तो यहां जो बंगला शब्द है वह है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक बंगला से सभी बंगलों का बोध हो जाता है, जब इस प्रकार की परिभाषा जिस संज्ञा की होती है उसी हम कौन सी संज्ञा कहते हैं आपकी जातिवाचक, अर्थात एक शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाए,
उसे हम क्या कहते हैं, जात वाच। जैसे घर कहने से सभी घरों का बोध हो जाता है, गाय कहने से सभी गायों का बोध हो जाता है। यहां जो गाय शब्द है, घर शब्द है, बंगला शब्द है, एक जातिवाचक के उदाहरण है। एक शब्द से सभी शब्दों का बोध हो जाए, अर्थात उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहां जो बंगला शब्द है, यह संज्ञा के अंतर्गत पांच संज्ञा के प्रकार में से जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर। अब बंगले में और कुछ भी होगा भाई, बच्चे में एक चीज तो होती नहीं है, चार पांच चीजें तो होती हैं। तो बंगले में यहां बात करें लिंग की, तो हिंदी के अनुसार दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? तो यहां जो बंगला शब्द है वो पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का तो करा नहीं रहा है। आप जानते हैं बंगला स्त्रीलिंग तो हो नहीं सकता है, पुल्लिंग ही होगा, स्वाभाविक है। जो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सीधी सीधी बात है। तो यहां जो बंगला है वो पुल्लिंग है, जैसा कि मैंने यहां लिख दिया है, यह शब्द बंगला पुल्लिंग है। यदि हम वचन की बात करें, हिंदी के अनुसार दो वचन होते हैं, एक वचन एंड बहुवचन, एक संख्या एक वचन और एक से अधिक संख्या बहुवचन। तो यहां बंगला कितने बंगले, 10 बंगले तो है नहीं। तो यहां जो बंगला है एक वचन। अब कारकों की बात कर रहे हैं, कारक 8 होते हैं, और यहां जो मैं आ रहा है बंगले में, तो भैया मैं किस कारक में आता है बताएंगे मुझे आप? मैं अधिकरण कारक में आता है, मैं पर। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण मैं पर, अर्थात अधिकरण मैं पर, अधिकरण में मैं आता है, तो अधिकरण मैं यहां बंगले में रहता है, बंगले के ऊपर नहीं, बंगले में रहता है। मैं रहने से यहां जो कारक होगा बंगले में वो अधिकरण कारक होगा, क्योंकि मैं आ रहा है तो मैं किसका बोध करा रहा है, अधिकरण का। समझ लिया इसको? नेक्स्ट रहता है ये क्रिया, जो पांचवा शब्द पद है उसका परिचय देने जा रही है, वो भी क्रिया है वाक्य के अंदर। तो रहता है, सामान्य सी बात है, रहता है, खाता है, पीता है, जागता है, उठता है, बैठता है, हंसता नाचता, खाता पीता सोता जागता उठता बैठता, ये सारी क्रिया ही देखे जो कर्ता के द्वारा की जाती है। यू नो, आप जानते हैं ये सभी क्रियाएं होती हैं, सामान्य रूप है रहता है क्रिया लिख दीजिए। अब कर्म के आधार पर क्रिया के मैंने दो भेद बताए थे आपको, एक हो गया सकर्मक और एक हो गया अकर्मक। जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, कुछ क्रियाएं सकर्मक हैं और कुछ क्रियाएं अकर्मक हैं। सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, अकर्मक कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था। जिनसे जिनमें कर्म आता है, क्या के प्रश्न करने पर को में आंसर मिले वो सकर्मक होती है, और क्या के प्रश्न करने पर को में आंसर ना मिले वो अकर्मक होती है। रहने वाली क्रिया अकर्मक है, सोने वाली क्रिया अकर्मक है, जागने वाली क्रिया अकर्मक है, बैठने वाली क्रिया अकर्मक है, झूलने वाली क्रिया अकर्मक है, स्नान करने वाली क्रिया अकर्मक है। क्रिया पढ़ा चुका हूं आपको, जो आपके तत्व तो पढ़ाए मैंने व्याकरण के, वो उसमें पढ़ा चुका हूं। तो रहने वाली क्रिया यहां अकर्मक क्रिया है, जैसा कि मैंने लिख लिया। अगर धातु की बात करें तो रह धातु में ताती के प्रत्यय जुड़ने पर रहता है बना, तो रह इसमें मूल धातु है। अब यहां रमेश एक है तो स्वाभाविक है, जब पुल्लिंग एक है, कर्ता एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन की होगी, तो यहां क्रिया भी एक वचन की होगी। यहां क्रिया में जो वचन है वो एक वचन है। अगर बात करें लिंग की, तो पुल्लिंग की क्रिया होगी, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता दे रहा हूं, यहां रहता है इसमें आपकी पुल्लिंग की क्रिया है। रमेश है, रहती है नहीं हुआ, रहता है, क्योंकि रमेश क्या है, पुल्लिंग शब्द, और पुल्लिंग के साथ में पुल्लिंग की क्रिया है। ठीक है, समझ गया। अन्य पुरुष की क्रिया है,
तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम, मैं और हम सब, हम सब। मध्यम में तुम सब, आप, तुम, तू वगैरह। और अन्य पुरुष में नाम, वह, यह वगैरह वगैरह। तो यह जो क्रिया है वो अन्य पुरुष की क्रिया है। अगर बात करें काल की तो काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये क्रिया जो है वो वर्तमान काल की रहता है, वर्तमान में रहता है, रहता था नहीं होगा, रहता है। तो वर्तमान काल की क्रिया यहाँ होता रहता था, तो यहाँ भूतकाल की क्रिया हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया वर्तमान काल की क्रिया। नेक्स्ट, यह उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, इसका मैंने पदपच्च दे दिया। इसी प्रकार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो आपकी परीक्षा होनी है, जो आपकी जो लास्ट में अंतिम काल में मार्च के महीने में जो परीक्षा होगी, उसमें भी लगभग 3-4 नंबर का आएगा। इसको ध्यान पूर्वक आप पढ़िएगा और देखिए। यहाँ एक बात करूं मैं, यहाँ गीता यहाँ तीसरे बंगले में रहती है, वाक्य इस प्रकार होता, गीता तीसरे बंगले में रहती है। तो गीता स्त्रीलिंग हो जाता, सारी चीजें बदल जाती, कुछ चीजें बदल जाती, कुछ चीजें नियम की नहीं रहती। गीता यहां तीसरे बंगले में रहती है, तो गीता के अनुसार स्त्रीलिंग हो जाता, वचन तो वही रहेगा, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वचन तो वही होता है, लिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है। गीता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग आ जाएगा, कारक वही रहेगा आपका, क्रिया विशेषण भी वही रहेगा, सब कुछ तीसरे यह भी वही रहेगा, बंगला वगैरह रहेगा, रहता है। यहां क्रिया चेंज हो जाएगी, क्रिया में हो जाएगा रहती है, क्योंकि स्त्रीलिंग की क्रिया है, स्त्रीलिंग का करता है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की हो। इस प्रकार इसका इस वाक्य में मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपको कोई डाउट नहीं हुआ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द का, एक एक पद का पदपच्च दिया है। आपकी जिज्ञासा होगी, सर इसमें दो ही पदपच्च है, लगभग तीन तो तत्व होने चाहिए, अर्थात तीन चीजें एक शब्द के लिए पदपच्च में तो जरूर होनी चाहिए, जिसमें नहीं है उसमें दो तो जरूर होंगी। तो दो शब्दों से भी किसी का पदपच्च है, क्या दो आपकी दो संख्याएं, दो शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग तीन तक आपको पदपच्च देना होता है, अर्थात व्याकरण के तीन तत्व एक एक शब्द में बताने होते हैं। अच्छा, परीक्षा में जो आता है, मैंने तो सभी इस वाक्य में जितने भी प्रयुक्त हैं उन सभी शब्दों का मैंने परिचय दिया है, बट परीक्षा में एक वाक्य होगा, उस एक वाक्य में से दो शब्द अंडरलाइन होंगे, अर्थात उल्लेखित होंगे, नीचे रेखांकित हो रहे होंगे, उन शब्दों का ही आपको पदपच्च देना है जो रेखांकित है। या तो मैंने पूरे का दे दिया आपको समझाने के लिए, उदाहरण पूरा दिया मेरा, बट परीक्षा में आपको क्या करना होगा, दो आपके उल्लेखित होंगे, रेखांकित होंगे, जो दो शब्द रेखांकित हों उन्हीं का आपको पच्च देना है। अब यहां कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कि सर इसमें ये चीज मैं नहीं समझ रहा, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण, यह किताब मेरी छोटी बहन की है, यह किताब मेरी छोटी बहन की है। तो यहां जो यह है और छोटी है, इन दोनों का पदपच्च दिया है, परीक्षा में सेम टू सेम इसी प्रकार आएगा, सेकंड वाक्य की तरह। ऊपर जो फर्स्ट वाक्य है इसमें तो सभी का मैंने पदपच्च दिया है आपको, बट नीचे वाला जो वाक्य है इसमें मैं जो दे रहा हूं आपके सामने, वह दे रहा हूं कि जैसे यह और छोटी दोनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, रेखांकित कर दिया है, इसी प्रकार परीक्षा में आएगा रेखांकित किया हुआ। आपसे कहा जाएगा उपयुक्त शब्दों का, उपयुक्त पदों का पदपरिचय दीजिए, तो आपको यह शब्द है यह के बारे में परिचय देना हुआ व्याकरण की दृष्टि से। अब यह क्या क्या है, यह की तो यह एक विशेषण शब्द है, किसका, किताब का। यह किताब कह रहा है, यह किताब, तो किताब विशेष्य है और यह है विशेषण। अब विशेषण भी आपके कई प्रकार के होते हैं, तो यहां विशेषणों की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण है सर्वनाम, और सर्वनाम किसे कहते हैं, मैंने पहली वाली क्लास में आपको पढ़ाई दिया है, सेकंड थर्ड पार्ट क्लास में
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आपका सर्वनाम कहते हैं। तो यहां यह मोहन राम कृष्ण सीता गीता के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, यह किताब के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह जो विशेषण है संकेतवाचक है, संकेतवाचक भी शब्द है, अर्थात संकेत कर रहा है यह किताब, वह किताब नहीं, यह किताब, अर्थात यह संकेत कर रहा है। तो यहां संकेतवाचक, यह शब्द संकेतवाचक भी है। सार्वनामिक, सार्वनामिक जैसा कि मैंने बताया सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद में यह जो यह है वो आपका अगर बात करें वचन की तो एक वचन है यह किताब, ये किताब है नहीं, अगर ये किताब होता तो बहुवचन होता, यह किताब एक किताब के लिए बोल करा रहा है, दो के लिए नहीं करा रहा है, तीन के लिए नहीं करा रहा है, चार के लिए नहीं करा रहा है, पांच के लिए नहीं करा रहा है, छह के लिए नहीं करा, एक किताब और एक का बोल जो शब्द कराते उन्हें एक वचन कहते हैं। यू नो क्लियर, एक वचन। और यह जो है आपका, यह जो वह आपका विशेष का विशेषण है जो मैंने यहां लिख दिया है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको डाउट हो जाएंगे, इसलिए इसको साइन। तो यहां यह परिचय हो गया। अब हम छोटी का परिचय देते हैं। तो छोटी भी एक विशेषण है, छोटी शब्द भी एक विशेषण है, किसका, बहन का। अब विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं जैसा कि बताता आया, तो उसमें गुणवाचक विशेषण है, आकृति लंबाई चौड़ाई आकार वगैरह के बारे में जो शब्द बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। रंग के रूप के बारे में, मात्रा के बारे में, आकृति के बारे में, वेशभूषा के बारे में जिसमें बताया जाता है उसका गुणवाचक के अंतर्गत। तो यहाँ छोटी आकृति, छोटी मतलब आकृति के बारे में, एज के बारे में बताया, तो यहाँ छोटी गुणवाचक विशेषण। अब बहन एक है, दो तो है नहीं, तो यहाँ एक वचन। और छोटी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि तो बहन स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग के साथ में जो शब्द प्रयुक्त होता है विशेषण का वह स्त्रीलिंग होता है, तो यहाँ छोटी जो है वह स्त्रीलिंग है। और छोटा होता यहाँ तो वह पुल्लिंग का होता, लेकिन यहाँ छोटी है वो स्त्रीलिंग का। अब ये दो वाक्य है, दो वाक्यों को मैंने अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मुझे उम्मीद है विश्वास है आपको इसमें डाउट नहीं होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।